नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं कसूर किसका। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे चेहरों से रूबरू कराती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ को कई समस्याओं के कारण संकट में डाल दिया और अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। ऑफिस में आजकल ना बहुत काम हो गया है, मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। बॉस कभी ये कभी वो, क्या करूँ यार। हेलो हेलो बाबू, लंच किया? हाँ मेरी शोना, जस्ट अभी किया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम तो मुझे कॉल करते नहीं हो। हाँ मैं काम में फंसा रहता हूँ ना। चाहे वीकेंड चले शॉपिंग करने? लास्ट वीक में ही शॉपिंग के लिए गए थे ना। चलते हैं ना, एफिनिटी मॉल में सेल लगा है, चलते ना बाबू प्लीज। हाँ ठीक है चलते हैं। गर्लफ्रेंड भी ना, जब देखो मैं सैलरी खत्म कर देती है। अभी तो मजा आएगा, 5000 का ड्रेस तो ले लूंगी। हाँ सर, बस अभी निकल ही रहा हूँ, बस आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या सैटरडे को गोवा निकलना है? वो ओके सर, मैं करता हूँ मैनेज। ओके सर, अभी क्या करूँ? छोना को बोल दिया कि वीकेंड में शॉपिंग जाना है साथ में, ये बॉस सैटरडे को गोवा भेज रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी जॉब फर्स्ट, लेकिन शोना को क्या बोलूंगा, वो तो नाराज हो जाएगी मेरे से। कहीं ब्रेकअप की तो? और वो वीकेंड का दिन आ ही गया जब सोना ने इम्तियाज को कॉल किया था और वो ऑफिस के काम से गोवा गया हुआ था। बस सोना को मिल गया एक बहाना और उसने ब्रेकअप कर दिया। वहाँ इम्तियाज का काम में मन नहीं लग रहा था और यहाँ सोना ने उसका कॉल ही लेना बंद कर दिया था। अब इसमें किसका कसूर है, सोना का या इम्तियाज का? अब इसमें कसूरवार कौन? आज इसे भी ले आई। मम्मी यहाँ छोड़ के गई, बोली अयान भी मेरे साथ रहेगा। ओ कितना क्यूट है, आ जा। यार समझ नहीं आता क्या करूं। क्यों भाई क्या हो गया? लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। अभी क्या होना है, जिंदगी के मजे लो, ऐश करो। यार तुम लोग भी ना, यहाँ में लगी पड़ी है और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है। ले लो, एक दिन मेरा भी आएगा फिर देखना। हाँ देख लेंगे तब। जब तू शाहरुख होगा तब होगा, लेकिन आज के पार्टी का जुगाड़ कैसे होगा? जुगाड़ तो होगा, कैसे मतलब मैं समझा नहीं। एक नहीं भाभी हाथ लगी है, बस कुछ दिन और फिर देखना, मजे ही मजे। भाई वो क्या देगी? भाई भाभी सब कुछ देगी। भाई मजा आ गया, भाभी ने पैसे दिए हैं लगता है। पीले पीले, तू भी लाइफ के मजे ले ले भाई। हाय मनीष, तेरे ऐसा दोस्तों नहीं तो कालिदास सिर्फ नाम का ही कालिदास है। तुम सब तो अच्छे घर के लगते हो, ये सब नशा करके क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा ऐसा। सर सर ये गलती हम नहीं करेंगे। बेटा अब तो तुम लॉकअप चलो, 3 साल वहाँ रहोगे तब पता चलेगा। सर ये मनीष ने लगाया मेरे लत। किसने लत लगाई वो तो पुलिस स्टेशन जाके पता चल जाएगा। हवलदार सर, इन सब के घर वालों को फोन करो और पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर नहीं सर, नहीं सर। तो
तो देखा आपने, मनीष ने सबको नशे की गंदी लत लगा दी। आज तो उन सबको पुलिस भी पकड़ कर लेकर गई। जब पुलिस स्टेशन में उन सबकी वहाँ फैमिली पहुँचेगी तो क्या बीती होगी उन पर, कैसा महसूस हुआ होगा उन सबको। आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों को कम से कम 3 साल की सजा तो लग गई। सबका करियर खत्म, अब इसमें कसूरवार कौन, मनीष, उसके दोस्त या उन सबकी फैमिली। लेकिन संदीप अभी मुझे 18 साल भी नहीं हुआ है, अब 1 साल बाकी है। मेरा एक दोस्त है जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाता है, तो उसकी टेंशन तो मत। नहीं संदीप, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर घर वाले पकड़ दिए मुझे जिंदा जला देंगे। अरे दीप्ति मैं हूँ ना, आई लव यू। और दीप्ति ने घर से भागकर शादी तो कर ली, पर एक ही हफ्ते के भीतर वो पकड़े भी गए। दीप्ति के घर वालों ने संदीप के खिलाफ किडनैपिंग का केस भी कर दिया और संदीप को सजा भी मिली। संदीप के घर वालों ने दीप्ति के घर वालों से काफी मिन्नतें की, काफी हाथ पैर भी जोड़े, पर कुछ असर ही नहीं पड़ा। अब इसमें कसूर किसका, दीप्ति या संदीप का, या उस एजेंट दोस्त का जिसने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाया था, या उस मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर का जिसने सिग्नेचर किया हुआ। अब इसमें कसूरवार कौन? तुम्हें पता है मेरे पापा न्यू कार ली है। हाँ मैंने देखा, अभी मेरे पापा रोज मुझे कार से स्कूल छोड़ेंगे। मेरे पापा भी न्यू कार लेने वाले हैं। तुम तो यहाँ रेंट से रहते हो ना, हमारा खुद का घर है, फिर तुम्हारे पापा कार कैसे लेंगे। जा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता, चलो हम दोनों मिलकर पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। तो देखा आपने, आजकल के बच्चों में हम तुमसे बड़े हैं, इसी बात को जब देखो तब लेकर बहस होती रहती है। अब आप ही बताइए, भावेश की फैमिली रेंट से रहती, इससे ये थोड़ी प्रूफ होता है कि वो गरीब है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, अब इसमें कसूर किसका, बच्चों का या उनकी फैमिली का, अब इसमें कसूरवार कौन। जी सुनते हो, मेरा टिफिन बनाया कि नहीं, आज नाइट शिफ्ट में जाना है। बस अभी जो बच्चे थोड़ी देर में अपने अपने घर को चले जाएंगे तभी बनाते हैं। लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही जाना है। हाँ हाँ मालूम है मुझे, आपको जल्दी ही रहती है। अरे इस उम्र में भी हम दोनों को काम करना पड़ रहा है, ये क्या है। तो क्या करें, बड़े ठाट से सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, और अब एक भी लड़का हम दोनों को संभाल नहीं रहा, उल्टा उन दोनों को दे दो सब। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमने अपना कर्तव्य कर दिया है, ऊपर वाला है ना, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक करेंगे। देखा आपने, फैमिली को अपना गुजारा करने के लिए बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है, और भाई साहब तो नाइट शिफ्ट में वॉचमैन की नौकरी तक कर रहे हैं, बच्चे होने के बावजूद इन्हें ये सब काम करने पड़ रहे हैं, तो कसूर किसका, माँ बाप या बच्चों का। आज आपने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ देखी, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीख मिली होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द, कसूरवार कौन। नमस्कार।